दोस्तों नमस्कार, और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट, और आप लोगों के साथ मैं कुलदीप। अक्सर मुस्लिम को लेकर हिंदू वर्ग ताना कसता रहता है, ताना बाना के नाम से उन्हें प्रताड़ित भी करता है, लेकिन इसमें विधानसभा पिंडरा में है और पिंडरा के फूलपुर क्षेत्र में है, और यहाँ पे ऐसे सच से हम आपको रूबरू कराएंगे जो वाकई दिल दहल जाएगा। इसलिए दिल दहल जाएगा कि जिसको हम पूजा करते हैं, हम हिंदू हैं और हिंदू धर्म में गाय की जो सेवा होती है वो आप लोग जानते ही हैं, लेकिन ये जो मेरे साथ बैठे हैं ये मुस्लिम हैं, और मुस्लिम होते हुए भी ये गाय की सेवा करते हैं, चाहे वो गाय मरी अवस्था में हो या जिंदा अवस्था में हो। सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई गाय एक्सीडेंट हो जाता है तो फर्स्ट ट्रीटमेंट ये देते हैं, और पूरे फूलपुर की एरिया में इनको लोग जानते हैं, और जब भी कोई ऐसी कैजुअलिटी होती है तो ये यहाँ के लोग, अस्थाई लोग, इनको फ़ोन करते हैं कि इस तरीके की घटना घट गया है, और ये आनन फानन में चाहे जैसे भी जो भी इनके पास सुविधा है वो सुविधा लेकर वहाँ पर जाते हैं और उस गाय को ट्रीटमेंट करते हैं। ये बताइए कि ये जो काम आप करते हैं, पहले तो अपने बारे में हमारे दर्शकों को बता दीजिए, अपना नाम और किस क्षेत्र से हैं, फिर उसके बाद से आपसे सवाल जवाब हो रहा है। जी, मेरा नाम सुल्तान अहमद है। सुल्तान अहमद जी, हम यही फूलपुर के रहने वाले हैं। हाँ, ये बताइए कि ये जो काम कर रहे हैं गाय को बचाने के लिए, क्यों कर रहे हैं? ऐसा है कि कहीं भी एक्सीडेंट होता है किसी भी जानवर का, तो देख कर तकलीफ होता है कि हम उनकी हेल्प करते हैं, क्योंकि वो बोल नहीं पाते हैं, वो तकलीफ़ में होते हैं, और इंसान लोगों को अगर हो जाता है तो वो लोग तो बता देंगे, लेकिन वो थोड़ी ना बता पाएंगे। तो वो जैसे मन कभी गड्ढे में पड़े रह गए, या फिर कभी चोट है तो वो अपना चुप ही सब कुछ या फिर ख़त्म हो जाते हैं, या फिर उसी घायल अवस्था में पड़े रहते हैं। तो जैसे हमको जानकारी मिलती है, हम लोग हेल्प भी करते हैं, तो हम वहाँ पर जाकर उनका इलाज जितना हमसे हो सकता है हम करते हैं। ये बताइए कि हेल्प करने का कैसे आप करते हैं? कोई फ़ोन नंबर आप वितरित किए हैं, या लोग आपको जान गए हैं कि नहीं आप गाय और कुत्ता बिल्ली जो भी है इसकी मदद करते हैं, तो क्या कैसे कांटेक्ट आपको करते हैं? हम नंबर तो नहीं दिए हैं, हम व्हाट्सएप ग्रुप है, जो भी काम करते हैं फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप पे अपना शेयर करते हैं, तो वहीं पे से नंबर हमारा देख कर निकालते हैं सब, और कहीं भी कोई दुर्घटना हो जाती है तो कॉल कर देते हैं, तो फिर हम वहाँ पहुँच कर जितना हो सकता है करते हैं, और कोशिश यही रहती है कि वो ठीक हो जाए, और जब तक ठीक नहीं हो जाती तब तक हम लगे रहते हैं। ये बताइए कि उसको अपने घर पे ले जाते हैं या सुरक्षित जगह पे, एक जगह कोई बनाए हैं वहाँ पे लेकर जाते हैं, कैसे वो उसको ट्रीटमेंट करते हैं आप? पहले तो हम गौशाला में लेकर जाते थे, जो भी दुर्घटना होती थी इलाज, पहले जानकारी नहीं थी गौशाला का, तो पहले हम वहीं पर रख, जैसे चोटी लगा है तो हम वहाँ पर उसका इलाज करते थे, फिर उसके बाद कोई रस्सी से उसे पेड़ ओड़ में बांध देते कि ये कहीं और भाग ना जाए, जब तक ये सही ना हो जाए, फिर जब तक वो बंधा रहा तो भाग नहीं पाएगा, तो हम उसको चारा वारा खिलाकर फिर अगले दिन फिर उसका ट्रीटमेंट करते थे। जब वो देखने में लगता है कि ठीक हो जाता है तो उसको हम छोड़ देते थे, और गौशाला में लेकर जाते थे, लेकिन गौशाला में थोड़ा दिक्कत है खाने की, ये सब प्रॉब्लम है, लेकिन जहाँ पे कुछ गौशालाएँ हैं जो ठीक हमको लगती है तो वहाँ पर हम लेके जाते हैं, छोड़ देते हैं, नहीं तो ज़्यादातर हम यही कोशिश करते हैं कि जो भी गाय जहाँ पर चोटी लो वहीं पे हम ट्रीटमेंट डेली करें और उसका चारा पानी पहुँचाएं, जब वो ठीक हो जाए तो हम उसे। अच्छा, ये चारा पानी दवा की व्यवस्था कैसे करते हैं? कोई किसी से मदद लेते हैं या खुद काम करके वो सब चीज़ें करते हैं आप? नहीं, लोग मदद करते हैं। हाँ जी, कुछ मेडिकल्स हैं, कुछ अनाथालय हैं, वहाँ से भी दवा आ जाता है, हमको मिल जाता है, और कुछ लोग हैं जो कि पैसे वैसे दे देते हैं कि जाइए आप दवा अपना ले लीजिएगा। और पहले तो जानकारी नहीं थी कि सरकारी सुविधाएं इतनी मिलती है, अब तो जानकारी हो चुकी है कि सरकार। अच्छा, एक चीज़ ठीक है, आप पढ़े कितने तक हैं? इंटर तक। अच्छी बात है कि कम से कम इंटर तक पढ़े हैं और सारी चीज़ जानते हैं। एक चीज़ बताइए कि ये चीज़ गाय को बचाना चाहे अदर चीज़ को बताना, जैसे हिंदू धर्म में है कि गाय को पूजा जाता है जो देसी गाय है, लेकिन आप एक मुस्लिम होकर उसको बचाते हैं और सारी चीज़ करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कतें तकलीफ महसूस ऐसे कुछ नहीं ना दिखता है? इसमें धर्म कहाँ से, वो तो जानवर है, वो उसको क्या पता कि हम किस धर्म से हैं, हमारा तो इंसानियत होना चाहिए कि उसको बचाना, और इंसानियत से बड़ा कोई धर्म है नहीं, और क्या फायदा हम हिंदू हैं या मुसलमान हैं, जब आप सामने कोई दुर्घटनाग्रस्त में पड़ा हो,
और हम बिना हेल्प किए आगे बढ़ जाएं। तो इंसानियत बड़ी चीज़ है, वो दिखाना ज़रूरी है, इंसानियत। अच्छा, बहुत सारे लोग आपकी बातें इस मार्केट में करते हैं कि आपको विधायक द्वारा सम्मानित किए, या कौन विधायक हैं जो आपको सम्मानित किए हैं? एक बार विधायक जी अजय राय जी एक बार सम्मानित किए थे, और फिर उसके बाद रवि सिंह जी हैं ब्लॉक प्रमुख, वो भी सम्मानित किए थे, हैं सब अपना सम्मानित करते रहते हैं। तो देखिए कि बहुत सारे इस वीडियो को लोग देख रहे होंगे तो ये सोच रहे हैं कि ये कुछ गलत होगा, लेकिन इसकी हम पुष्टि भी कर देते हैं, यहीं के अस्थाई दुकानदार हैं हम, इनसे अब जान लेते हैं कि सुल्तान करते क्या हैं। जी, आपका क्या नाम है? जी, कुंदन कुमार जायसवाल। कुंदन जी, सुल्तान जी को जानते हैं? जी हाँ, अच्छे से जानते हैं। क्या करते हैं ये? अभी तो फिलहाल वो कुछ नहीं कर रहे हैं, अभी तो फिलहाल फ्री बैठे हुए हैं। कुछ दिन पहले दुकान खोले थे लेकिन चल नहीं पाया। ये किस तरीके से समाज सेवा करते हैं? नहीं, समाज सेवा तो इनका अच्छा है, गाय वगैरह या मतलब कहीं भी देखते हैं कुछ भी, किसी का भी कॉल आता है इनके नंबर पे तो ये अपना भाग के जाते हैं, वहाँ सेवा सत्कार करते हैं, अगर घायल है तो उसका इलाज करवाते हैं। फिलहाल तो अभी ये कुछ नहीं कर रहे हैं इसलिए इनके पास इनकम का कोई जरिया है नहीं, तो जो दोस्त यार हैं या और भी कुछ लोग हैं जान पहचान के जिससे ये थोड़ा सा हेल्प लेते हैं, मिल जाता है तो अपना उसी में कर लेते हैं। अच्छा, देखिए कि ये मुस्लिम होकर गायों की सुरक्षा कर रहे हैं, आपको नहीं लगता है कि ये बहुत बड़े काम कर रहे हैं? देखिए, ये तो सबका काम होना चाहिए, जो ये काम कर रहे हैं ये तो सबका काम होना चाहिए, इसमें हिंदू और मुस्लिम का कोई बात नहीं है। अगर आदमी के अंदर इंसानियत है तो उससे बड़ा कोई चीज़ नहीं है। हाँ, ये अच्छी चीज़ है कि जो मुस्लिम का ठप्पा लगा है अगर ये उससे ऊपर उठ के ये काम करें तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, और भारत देश में ऐसा कुछ कोई ऐसा बात नहीं है कि नहीं हिंदू मुस्लिम को लेकर ऐसा कुछ है, ये कोई भी कर सकता है, बस अंदर इंसानियत होना चाहिए, धर्म से ऊपर उठ के ये काम किया जा सकता है। तो ये कहानी आप पूरी फूलपुर से समझ रहे थे। तो ये हमारे साथ हैं सुल्तान जी। तो सुल्तान जी का जो कारनामा है वाकई बेहद सराहनीय है। जो भी ये वीडियो लोग देखें तो हम कोशिश करें कि लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर देखें कि ये सुल्तान जो कर रहे हैं कितना बेहतर काम कर रहे हैं, और ख़ास करके ये पिंडरा विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले हैं, और आपको अगर इनसे मिलना होगा तो इनके सुल्तान के नाम से और इत्यादि जिससे मिले हैं तो आपको ये पिंडरा विधानसभा क्षेत्र के फूलपुर एरिया में मिल जाएंगे। लगातार ये रिपोर्ट हम दे रहे थे, तो हमारे साथ बने रहिए न्यूज़ बकेट के साथ, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार। पेश है न्यूज़ बकेट हिंदी मासिक पत्रिका, पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज़ बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।